सर आप 3 दिन से किश्तवाड़ के टूर में हैं, आपने काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की मीटिंग ली, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बननी है, यहाँ पर एयरपोर्ट के बारे में सुन रहे हैं, संगपुरा वायलू टनल के बारे में सुन रहे हैं, पाडर रोड काफ़ी साल से बन रहा है, सिंथन रोड काफ़ी साल से बन रहा है, मड़वा के वर्वन का रोड जो है बन रहा है, बच्छन का रोड 42 साल से बन रहा है, तो क्या आपने डायरेक्शंस दी और किस तरह से काम करने की हिदायत दी आपने अपने सबॉर्डिनेट्स को? ये देखिए, हम लोगों ने पूरा एक डेवलपमेंटल रिव्यू किश्तवाड़ ज़िले का यहाँ की टीम के साथ, जिसके लीडर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ हैं, उनके साथ पूरा रिव्यू लिया और सभी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखे, साथ ही में कोविड को लेकर जो मिटिगेशन मेजर्स चल रहे हैं उसका भी रिव्यू किया गया। ख़ास तौर पर कोविड मिटिगेशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है लीस्ट अगर कहीं पर मोर्टेलिटी है तो किश्तवाड़ ज़िला है, और सभी मुझे लगता है ये ना केवल यहाँ की जो पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि लोगों ने भी पूरा जो है अपना ताउन दिया है इसमें, अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को यहाँ फॉलो करने में, मास्क लगाने का भी हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा प्रतिशत जो है वो देखने में मिला। तो उसके साथ साथ हमारे एक्टिव केसेस भी यहाँ पर कम हैं, 136 पंचायत हलकों में हर जगह पर पंचायत लेवल कोविड केयर सेंटर्स भी बनाए गए हैं, तो उसके लिए मैं सभी यहाँ पे जो हमारे लोग हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरी कोऑपरेशन मैंने देखा कि यहाँ पर लोगों की तरफ से इंतज़ामिया को रही है। जहाँ तक आपने डिफरेंट इन प्रोजेक्ट्स की बात की तो देखिए, बहुत बड़ा ज़िला है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, सभी हमने महकमों का एक ओवरऑल रिव्यू किया, इसमें हमारे प्रोजेक्ट्स कुछ लैंग्विशिंग स्कीम में हैं, कुछ PMDP के तहत हैं, कुछ जो डिस्ट्रिक्ट के अपेक्स में चल रहे हैं, बाकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में चल रहे हैं, उनको देखा गया। एक देखकर मुझे ये ज़रूर लगा है कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और उनकी टीम जो है बहुत जो है वो मेहनत कर रही है इन सब का कंटिन्यूस रिव्यू और सुपरविजन करने में, और ख़ास तौर पर जब से ये आए हैं बहुत गति मिली है। मैं समझ रहा हूँ काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हमारे स्लो पेस पर चल रहे थे, ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात कहूँ, PMGSY स्कीम के तहत जो सड़कें हैं, RNB के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं पर DPR गठित होकर जानी थी, कहीं पर जो लैंड कंपनसेशन के केसेस हैं या उनकी डिमांड गवर्नमेंट को भेजी जानी है या लैंड एक्विजिशंस यहाँ पर होनी है, काफ़ी प्रोग्रेस अभी पीछे जो है मैं समझता हूँ इन 1-2 साल में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है यहाँ पर हुई है। और इसके साथ साथ जो हमारे अदर इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर है, टूरिज़्म है, सोशल वेलफेयर है, एजुकेशन सेक्टर है, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और उसके लिए पूरी इनकी टीम जो है वो लगी हुई है। यहाँ पर कनेक्टिविटी के भी चैलेंजेस हैं और उसके साथ साथ चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो या मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, तो उसके लिए भी मैं समझता हूँ एक पूरा प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी काफ़ी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और मोबाइल कंपनियों के साथ भी जो ज़िला इंतज़ामिया है वो बात कर रही है और ये एक्सपीडाइट करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी हमारी इम्प्रूव हो, क्योंकि कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी तो उसके साथ हमारा जहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, हमारी आधार एनरोलमेंट है, JK सेहत स्कीम के तहत हमारा पूरा जो कवरेज होना है वो उतनी गति से बढ़ेगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने फील्ड में भी जो है वो जाकर पूरा मौका मुआयना किया, विज़िट किया, पाडर गए हम लोग कल, साथ ही में आज हम सिंथन टॉप तक गए, छात्रु गए, तो पूरा एक एरिया की उसके टोपोग्राफी जो है वो उसमें समझ में आई है। एंड इस पूरे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में मैं समझता हूँ टीम बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, और लोगों के साथ भी अभी हमने जो सिविल सोसाइटी है और यहाँ के स्पेशली जो हमारे PRI मेंबर्स हैं उनके साथ भी अभी इंटरेक्शन की, डिफरेंट डेलीगेशंस के साथ हम लोग मिले, हमारी जो DDC काउंसिल है, हमारे BDC चेयरपर्सनस हैं, सरपंच पंचगण हैं, वो भी ओवरऑल मैंने देखा बहुत कोऑपरेटिव हैं और अब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ प्रो डेवलपमेंट हैं हमारे सभी लोग यहाँ के, और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को पुश देने के लिए ही मैं समझता हूँ सभी का रुझान है, और उसमें मैंने भी हिदायत अपनी तरफ से दी है कि हमारा ये रिव्यू और सुपरविजन भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा और ये सभी जो
बचे हुए हमारे काम हैं जो प्रोजेक्ट्स में कहीं पर पहले अगर डिले हुआ है उन सभी को एक्सपीडाइट किया है। सर आपने कहा कि आप पाडर गए, हम पाडर और मड़वा की बात करेंगे। सफायर माइंस को काफ़ी सालों से एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है, सारा समंगलिंग हो रहा है, सफायर इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा हुआ है किश्तवाड़ का सफायर, और मड़वा में जो ऑफिस है वो किश्तवाड़ हेडक्वार्टर से ज़्यादा फंक्शन करते, ये केस कोर्ट में भी है, तो क्या आपने इसके लिए किया? जी देखिए, जहाँ तक आप सफायर माइंस की बात कर रहे हैं तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब मुझे उस बारे में रिपोर्ट देंगे, तभी जाकर जो है वो हकीकत इसमें पता लगेगी एंड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, हम भी गवर्नमेंट लेवल पर उसको प्रोजेक्ट करेंगे। जहाँ तक मड़वा और गच्छन और वारवन का जो सवाल है, तो वहाँ पर डेफिनेटली कनेक्टिविटी इशूज़ हैं। PMGSY की सड़कें जो रुकी हुई थी, जिनके फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र के केसेज बनने हैं, अभी डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने उसको एक्सपीडाइट किया है उन सभी केसेस को। कुछ जनप्रतिनिधिगणों द्वारा भी ये शिकायत की गई कि ऐसे कुछ ऑफिसेज हैं अलेजेडली वो यहाँ से चल रहे हैं, तो उसमें भी मैंने DC साहब को बोला है कि वो इसमें जांच करें और उसमें उचित कार्रवाई। सर सिंथन रोड को लेकर काफ़ी डिमांड चल रही थी, उस लोग प्रारंभिक किए हैं, तो कोई निर्णय लिया गया इसमें? जी देखिए, सिंथन टॉप तक हम लोग आज गए थे, पूरा हमने इसमें जायज़ा लिया है। आप लोग जानते हैं कि COVID-19 की महामारी की सिचुएशन भी, पैंडेमिक सिचुएशन भी चल रही है, इसमें सभी एस्पेक्ट्स को एक बार आप सभी को सुना भी गया, सभी एस्पेक्ट्स को देखते हुए इसमें उसके बाद ही मुझे लगता है हम लोग हायर फोरम पे डिस्कस करके इसमें जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो कन्वे करें। सर दो चीज़ें सामने आ रही है, एक नेशनल पैटर्न का ग्रिड जो है सुनने में मिला है वो यहाँ पर बनेगा चरहाड़ में, उसके लिए ज़मीन ली जा रही है, तो एक तो वो, तो दूसरा एयरपोर्ट का क्या स्टेटस है? जी देखिए, इसका पूरा जो एग्जैक्ट डिटेल है, कहां तक हमारे ये प्रोजेक्ट्स पहुंचे हैं, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को बोलूंगा, आपके साथ शेयर करेंगे जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। सर आखिरी क्वेश्चन, आज एक DDC मेंबर ने डिमांड की है कि मड़वा को चाइना के साथ मर्ज किया जाए, उस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं जो ये एंटी नेशनल डिमांड है? जी देखिए, उसमें जो भी उचित कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। सर इन मचेल यात्रा का जो प्रबंधन है इस समय कोर्ट के आदेश पर आप देख रहे हैं, तो क्या कुछ इस बार रहेगा, कोई उसमें यात्रा ऑर्गेनाइज होगी कि नहीं होगी, और किन शर्तों? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि आप देख रहे हैं COVID-19 की सिचुएशन कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, पर इसके साथ साथ ही डिप्टी कमिश्नर साहब अपनी तरफ से पूरी इन्होंने तैयारी जो है अपनी रखी हुई है, आने वाले दिनों में ये वहाँ पर ही जाकर जो है एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी कर रहे हैं सभी महकमों के साथ। सड़क का काम हमारा वहाँ पर जोरों शोरों से चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क्स भी जो है उनको कंप्लीट किया जा रहा है, यात्रा रूट पर जो सहूलियत दी जानी है, जहाँ पर कहीं टॉयलेट ब्लॉक्स बनने हैं उसके लिए भी जो है पूरा एक रूपरेखा, एक प्लान इनकी टीम ने बना रखा है। हमें भी जो अपनी तरफ से हलफनामा भरना था वो हम लोगों ने अपना रिप्लाई भरा है, तो मैं समझता हूँ जैसे जैसे आगे सिचुएशन इवॉल्व होगी बहुत जल्द जो है इसमें क्लैरिटी आना शुरू होगी। तो लोगों को क्या मैसेज देंगे आप, पूरे डिवीजन के लेवल के लोगों को? ये देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे देख रहे हैं कि कुछ अभी रिलैक्सेशन जो हैं वो शुरू हुई हैं, अनलॉक की फेज़ हमारी शुरू हुई है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको सभी हम लोग जो हैं उसको अमल में लाएँ, उसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करें। हम लोग दोबारा से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम लोग दोबारा से कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शंस के फेज़ में दोबारा से जाएं, उसे जो है हमारे रोज़मर्रा के काम के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर भी कुछ असर पड़ता है। हम लोग इस फेज़ से तभी बाहर आ पाएंगे जब हम लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग, दो गज की दूरी, मास्क डालना, इस और जैसे जैसे जिसकी टर्न आएगी वैक्सीनेशन के लिए वो अपनी अपनी वैक्सीनेशन लगाए, उसी से मैं समझता हूँ कि हमारी पॉजिटिविटी दर जो है वो कम होगी, और जैसे जैसे पॉजिटिविटी दर कम होगी हम बाकी सभी एक्टिविटीज़ को खोल पाएंगे। सर ऑक्सीजन प्लांट का क्या स्टेटस है? देखिए, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो किश्तवाड़ ज़िले के लिए, रामबन और पुंछ ज़िले के लिए बहुत जल्द जो है आप देखेंगे ये प्लांट्स भी जो हैं लग जाएंगे, सो दैट हमारे हर एक लेवल 2 या लेवल 1 फैसिलिटी में ये ऑक्सीजन को लेकर पूरी सेल्फ सफिशिएंसी। सर वेव 3 की तैयारियाँ जगह जगह चल रही हैं, हमारा जो RT-PCR का सैंपल डोडा जाता है 4 दिन के बाद रिपोर्ट आती है, तो ये संभव नहीं है कि किश्तवाड़ में भी इस तरह की कोई एस्टेब्लिश किया? ऑलरेडी डिमांड्स प्रोजेक्ट हो रखी हैं हर एक ज़िले से, क्योंकि इसमें इसको लैब बनने में और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीन प्रोक्योरमेंट में अपना टाइम लगता है। हाउएवर सभी डिमांड प्रोजेक्टेड हैं और हर एक फ्रंट पर कोशिश की जा रही है कि एक्सपीडिशियस तरीके से उसको पूरा मुकम्मल। थैंक यू सर।